देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में ये कह रहा होगा कि ए एंड बी के बीच नेट कैपेसिटेंस बताना है, यही ना। देखें एक्चुअली आप ध्यान दें क्या बेटा, अगर आप कोशिश करें समझने की तो इनको आप स्मॉल ए नाम दें, इनको नाम दें स्मॉल बी, स्मॉल बी इनको नाम दें स्मॉल सी, और इनको नाम दें स्मॉल डी। और अगर आप समझें तो देखें जरा ए एंड सी के बीच कोई और है, यहां से देखें चलते हुए कोई और है इनके बीच, नहीं है, नहीं है ना, ए एंड सी के बीच कोई और नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही हैं। तो अब आइए समझ जाते हैं, यही ए है और यही सी है, समझ गए, बिल्कुल अब आप समझ गए। अब आप देखें जरा, देखें बी और डी के बीच कोई और है, नहीं है, कोई और नहीं है, यानी बी और डी भी एक ही है। अब आप देखें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अगर आप देखें C1 का जो एक प्लेट है वो किससे है, A से ऐड है, C1 का एक प्लेट किससे ऐड है, A से ऐड कर दिया। अब आप देखें C2 का भी, C2 का भी एक प्लेट किससे ऐड है, ये C2 का एक प्लेट C से ऐड है, और C ही कौन है, A है, समझ गए। देखो C2 की इधर वाली प्लेट किससे ऐड है, A से ऐड है, और फिर देखो C3 की भी इधर वाली प्लेट किससे ऐड है, C से ऐड है, C3 की भी, C3 वाले की भी ये वाली प्लेट C से ऐड है, और C किससे ऐड है, A से ऐड है। ये हो गई कहानी, समझ गए। हाँ अब देखिए C1 की इधर वाली प्लेट, ये वाली प्लेट C1 की किससे ऐड है, B से ऐड है, ऐड कर दो। फिर देखो C2 की इधर वाली प्लेट, ये वाली प्लेट C2 की किससे ऐड है, B से ऐड है, ये देखो। फिर देखो C3 की इधर वाली प्लेट ये D से ऐड है, और D किससे ऐड है, B से ऐड है, समझ गए। तो A और C एक ही पॉइंट, B और D एक ही पॉइंट। अब देखो तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तीनों पैरेलल में आ गए, C1 C2 और C3, यानी 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड सब पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आ गए तो नेट 3 4 5, नेट कितना आ गया, 5 3 4 3 7 5 12, कितना क्लियरली रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी ही है, बहुत इजी है, 100 100, देखो बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इजी है, फटाक से बना दे रहा हूँ, बन गया भैया, काहे इतनी जल्दी में हो, बन गया, हो गया यार, काहे इतनी जल्दी हो भाई, बन गया, लो ये हो गया, यही बनाना था, यही बनाना था, ये 200 200 100, नेट पूछा है ए एंड बी के बीच, नेट पूछा है, कितना इजी है ये, इससे इजी नहीं हो सकता, सच में इससे इजी नहीं हो सकता, पूछे कैसे। देखो बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है, ए एंड बी के बीच नेट कैपेसिटेंस पूछा है, ए एंड किसके बीच, बी के बीच नेट पूछा है, ए एंड बी के बीच, देखो बहुत इजी है, कैसे अगर आप गौर करो तो ये पहले यहाँ से एक चार्ज भेजो क्यू, दो टुकड़े हो गए, एक Q1 और एक ऊपर चला गया Q2 इधर जा रहा है, यहां तक आएगा Q2 और इधर से Q1, अब Q1 Q2 फिर यहां आकर मिल गए तो Q बन गए, तो इधर से Q गया और फिर Q आ गया, बहुत सिंपल है। अब देख लें, ये देखो इसमें भी Q1 है और इसमें भी Q1 है, दोनों में Q1 है,
इसमें भी Q1, दोनों में Q1, तो दोनों सीरीज में आ गए। अगर दोनों सीरीज में आ गए तो पहले 200 200 का नेट निकाल लो, सी डैश मान लेते हैं, इन दोनों का नेट मान लेते हैं कितना, सी डैश मान लेते हैं इन दोनों का नेट, पलट के ही निकलेगा 1/200। तो सी डैश आ जाएगा कितना, 100 माइक्रोफेरेट, आ गया ना, 1/200 टू 2/200 मतलब 100 माइक्रोफेरेट। अब इसका 100 आ गया और इसका भी 100 है, तो ये 100 और ये 100 अगर आप देखो दोनों पैरेलल में है, इधर वाला 100 और इधर वाला 100 दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का नेट कैसे आ जाएगा, तो 100 100 अगर पैरेलल में है ये वाला और ये वाला, तो फिर इन दोनों का नेट कैसे आ जाएगा पैरेलल, डायरेक्ट आ जाएगा 200। लेकिन अब एक दिक्कत है, क्या सर, ये टोटल 200 ठीक है ना, ये देखिए ये टोटल 200 और ऐसे गया और ये 100, ये ऊपर वाला 200 ऊपर पूरा और इधर वाला पूरा 100, तो ये इतना 200 और ये वाला 100 सीरीज में आ गया, ये इतना भाई देखो ये पूरा इतना ऊपर पूरा 200 और फिर ऐसे ऐसे आते थे इधर आ गया 100 सीरीज में आ गया, तो दोनों का नेट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हो गया ठीक है, आ गया।